हेलो एवरीवन, आज की कहानी है गलता लोहा। क्लास 11 के लिए आज इसकी मैं आपको संपूर्ण व्याख्या बता रही हूँ। कहानी लिखी है शेखर जोशी जी ने और कहानी का नाम है गलता लोहा। इसमें मोहन और धनराम दो प्रमुख पात्र हैं। दोनों स्कूल के समय से मित्र हैं। मोहन के जो पिता हैं वो वंशीधर उनका नाम है और पुरोहिती का बिजनेस करते हैं। पुरोहिती क्या होती है? पुरोहिती होती है घर घर जाकर के मंत्र उपचार आदि जो करते हैं उसे पुरोहिती बोला जाता है और लोग उनके ऊपर काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन अभी वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए व्रत और उपवास अभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह मोहन को यह कहते हैं कि अब वह अपना पुरोहिती का धंधा संभाल ले, यानी यह बिजनेस करने लग जाए। लेकिन मोहन ये नहीं चाहता था कि वह घर घर जाकर के पूजा पाठ आदि करे। इसलिए वह अपना एक खेती का औजार होता है हंसुआ उठाता है और धनराम लोहार के यहाँ जाता है ताकि उस हंसुए को धार लगवा करके खेत का काम कर सके। धनराम जो है उसका सहपाठी है, यानी उसके साथ पढ़ने वाला है और वह खाली पीपे पर बैठकर लोहारी का काम करता है। दोनों अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। धनराम को तेरे का पहाड़ा याद नहीं होता था और उसे बहुत अधिक मार पड़ती थी। मार पड़ने पर मास्टर जी ये भी कहते थे कि तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यानी कि आपके दिमाग में लोहा भरा हुआ है और इसलिए पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो। और मास्टर जी उससे फ्री में अपनी दरांतियाँ भी धार लगवाते थे। तभी से वह अपने पिता गंगाराम के साथ ये लोहारी के काम सीख गया था, यानी लोहार वाले जो काम होते हैं, धोकनी फूकना, सान लगाना और घन चलाना, यानी हथौड़े से लोहे को ठीक करना। धोकनी फूकना होता है जो लोहा गलाने के लिए आग जलाई जाती है, वह धोकनी फूक करके लगाई जाती है। तो अगर वह ठीक से काम नहीं करता था, धनराम अगर ठीक से काम नहीं करता था तो उसे अपने पिता से भी मार पड़ती थी। एक दिन वह आया जब गंगाराम चल बसते हैं, यानी धनराम के पिता चले जाते हैं और धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने चल लग जाता है। दूसरी तरफ मोहन जो है पढ़ने के लिए शहर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पढ़ाई करने के बजाय घर के कामों में लगा दिया जाता है और सिर्फ रिक्वेस्ट पे ही उसे स्कूल भेजा जाता है। जैसे तैसे करके वह पास हो जाता है और जब अपने घर लौटता है तो वह कुछ भी बन नहीं पाता है। वंशीधर दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने यह सोचकर भेजा था कि मोहन बड़ा अफसर बन करके घर लौटेगा, लेकिन जब वह जान जाते हैं कि उसे एक नौकर की तरह घर में रखा गया था तो उन्हें बहुत दुख होता है। और धनराम ने उनसे यही कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। यानी धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो वो उसे झूठ बोल देते हैं कि वह तो पढ़ाई कर रहा है और बहुत बुद्धिमान है। जब वह वापस गांव आता है तो दोनों साथ मिलकर के बैठते हैं और अपने बचपन की बातें करने लग जाते हैं। प्रायः ब्राह्मण जो लोग हैं लोहार को नीचा मानते हैं, यानी नीची जाति का समझते हैं। जाति पाति का भेदभाव काफ़ी स्थानों पर पाया जाता है। अभी हालांकि ये इतना नहीं रहा है, लेकिन जो है लोग जाति पाति को ज़्यादा मानते हैं। यानी ब्राह्मण का बच्चा लोहार के पास बैठ नहीं सकता है, यानी खड़े खड़े बात कर लेते हैं। परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर बैठ जाता है और उसे काम करते हुए देखता रहता है। वहाँ पर वह देखता है कि धनराम अपने काम में मग्न है और लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा है, किंतु वह छड़ जो है उससे ठीक से फंस नहीं पा रही थी निहाई में, इस कारण से वह मुड़ नहीं पा रही थी। तो मोहन ने अपनी जगह से उठ करके उस लोहे की छड़ को पीटते पीटते गोल बना दिया और उसके इस काम से धनराम जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि कैसे ब्राह्मण का लड़का अपने लोहार के काम में परफेक्ट हो गया। मोहन इन बातों से बेलाग होकर के छल्ले की गोलाई को जांचता रहता है क्योंकि वह
अन्य बातों से अनजान है, उसे तो जो उसने कलाकारी दिखाई है उसकी चमक उसकी आंखों में आपको स्पष्ट नज़र आएगी। तो इस कहानी में हम ये देखते हैं, वंशीधर जो हैं एक पहाड़ी गांव में रहने वाले ब्राह्मण हैं और यही काम करके वो अपना ब्राह्मणी का काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जुबान का चाबुक, यहाँ पर देखिए त्रिलोक सिंह जी जो मास्टर हैं वो व्यंग्य वचन कहते हैं बच्चों को कि व्यंग्य वचन चलाते हैं उन पर, अपनी जुबान का चाबुक से उन्हें मारते हैं। वचन से भी किसी को मारा जा सकता है, यानी हम जो व्यंग्य वचन कहते हैं उसकी मार अलग होती है। तो मास्टर जी धनराम को मारते भी थे, संटी से भी मारते थे और व्यंग्य वचनों से भी मारते थे। धनराम के पिता लोहार थे और उन्होंने धनराम को लोहार का काम सिखाया था, सभी काम उन्होंने धोकनी फूकना आदि सब सिखा दिए थे, हथौड़ा चलाना। अध्यापक त्रिलोक सिंह धनराम को संटी मार करके दंडित करते थे और उस संटी को भी धनराम से ही मंगवाते थे, साथ ही उससे अपने जो औजार थे उन पर फ्री में धार भी लगवाते थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। इस कहानी की खास बात क्या है कि मोहन को यहाँ छात्रवृत्ति मिलती है, वह बहुत ही होशियार छात्र है लेकिन अंत में वह लोहार का काम सीखता है। मास्टर जी भी यही कहते थे कि मोहन प्रतिभाशाली है और वह बड़ा होकर के कुछ बनेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, अपना नाम ऊंचा करेगा, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सिर्फ लोहारी के काम पर जाकर के सिद्ध हुई है। वंशीधर तिवारी जो थे उनका काम पुरोहित था, पढ़ाई लिखाई उनका सपना था, मोहन को वह पढ़ाना चाहते थे और वह चाहते थे कि मोहन पढ़ करके बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन मोहन की रुचि जो थी वो लोहार के काम में थी। हो सकता है उसने वहाँ लखनऊ में ये काम सीख लिया हो। लखनऊ में जो है मोहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया गया, कहने को तो वह घर का बालक था लेकिन घर की जो महिलाएं थी वह उससे सारे घर के काम करवाती थी, यहाँ तक कि मोहल्ले की अन्य महिलाएं भी उससे घर के काम करवाया करती थी। रमेश बाबू जो हैं मोहन को वहाँ लेकर के गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन वो उसे वहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं अपने काम के लिए लेकर के गए थे। गांव में ऊंच नीच और जाति प्रथा का भेदभाव पाया जाता है, ब्राह्मणों को ऊंचा और पूज्य माना जाता है जबकि लोहारों को निम्न श्रेणी का माना जाता है। मोहन ब्राह्मण टोले से संबंध रखता था, लोहे का काम वह जानता था, इसलिए वह स्वाभाविक रुचि के कारण शिल्पकार टोले में आ गया था। शिल्पकार क्या होते हैं, जो कोई काम करते हैं कलाकारों को शिल्पकार बोला जाता है। मोहन जो था वो एक दिन जब वहाँ इसके पास जाता है धनराम के पास, तो उसके काम में रुचि लेने लगता है और उसका यह जो है धनराम को काम करते देख करके उसका भी मन करता है कि वह लोहे का काम करे। हो सकता है कि मोहन ने यह लोहार की जो कला है, लोहा ढालने की कारीगरी तकनीकी विद्यालय में सीखी हो और उसने धनराम को भी काम करते हुए काफ़ी बारीकी से देखा था, लेकिन जब वो बचपन से दोनों साथ रहते थे तो उसकी रुचि उस काम में भी थी। लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि मोहन ने अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया, यानी कि उसके हाथों में अभ्यास का स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसने लोहे को मोड़ने का अभ्यास किया है जबकि वह ब्राह्मण है। धनराम को दो बातों पर आश्चर्य यहाँ पर होता है कि बिना सीखे मोहन ये काम करना कैसे सीख गया, दूसरा उसे यह आश्चर्य होता है कि पुरोहित खानदान का होने पर भी उसने लोहार जैसे निम्न कोटि के कहे जाने वाले काम में कैसे काम किया, कैसे उसने साहस किया कि अपनी जाति के कार्य को छोड़ करके निम्न जाति के कार्य को अपनाया। धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को गोलाई देने की बात पर काफ़ी आश्चर्य होता है और उसका निर्अभिमानी व्यवहार, यानी अभिमान नहीं है उसमें, उसमें जाति अभिमान नहीं है। यहाँ पर इस कहानी में यही दर्शाया गया है, गलता लोहा का मतलब है जातीय अभिमान का जो लोहा है, लोगों के मनों में जो भरा हुआ है जाति का अभिमान, लोहे की तरह जो स्ट्रांग है बिल्कुल जातिगत भावनाएं, वो किस प्रकार से गलती हुई नज़र आ रही हैं कि मोहन एक उच्च वर्ग से होते हुए भी निम्न वर्ग का काम बिजनेस अपना लेता है।
यही इस कहानी की खासियत है, क्योंकि उसे ऊंची जाति का माना जाता था और लोहारी को नीचे काम में गिना जाता था, लेकिन वह वहाँ पर बैठता भी है, जातिगत भेदभाव भी भूल जाता है और यही उसके सज्जन की चमक भी नज़र आती है जब वो लोहे को आसानी से मोड़ करके एक गोले में परिवर्तित कर देता है। उसकी आंखों में किस चीज़ की चमक है? सृजन की चमक है। कि उसे लगा कि उसके हाथों से जो काम हुआ है वो बहुत प्रशंसा करने लायक है। और यहाँ पर उसका जाति धर्म निरपेक्ष, यानी वह जाति से भी दूर है, धर्म से भी अलग है। इस प्रकार का व्यवहार जो है ऊंच नीच के भाव से उसे मुक्त करता है। उसने लोहार जैसा नीचा समझे जाने वाला पेशा अपनाया और उसमें कुशलता प्राप्त की और उसने अपना जातीय अभिमान तोड़ करके अपने कार्य को महत्व दिया और उसने धनराम के साथ बराबरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भी अपनी उदारता का परिचय दिया है।